हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की आज एग्जाम थी, जिसके अंदर कुक और आपके ड्राइवर को छोड़कर सारे एग्जाम आज होने थे, पर अभी आपके पेपर पोस्टपोन हो चुका है। इसमें कैंडिडेट्स की क्या राय आती है वो राय हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। डिटेल से आपको बताया जाएगा किस तरीके से एसएसबी सेंटर्स के ऊपर क्या कुछ हुआ, जो भी सेंटर्स हैं उनके ऊपर सारों के ऊपर पेन पेपर कैंसिल हो चुका है। इसकी डिटेल में जानकारी लेते हैं कैंडिडेट्स के द्वारा। दोस्तों कितने बजे आपकी एंट्री हुई? 3 बजे हमारी एंट्री। 3 बजे स्टार्ट हो गई। एंट्री के टाइम क्या चेक हुआ आपका? एंट्री हमारे एडमिट कार्ड था, आधार कार्ड था, दो फोटो थी और दो एडमिट कार्ड थे, वो भी रंगीन कलर में था। दो एडमिट कार्ड कलर में थे। उसके बाद में क्या हुआ आगे? हमारा वो जो चेकअप होता है वो करके अंदर दिया गया। बायोमेट्रिक हुई कि नहीं हुई? बायोमेट्रिक हुई थी, थंब लगा था, लेफ्ट हैंड लगा था, सिग्नेचर हुआ था। अच्छा, उसके बाद आपको हम बैठे रहे यहाँ पे और हमको इंतजार करते रहे कि क्या पेपर खुले, कब पेपर खुले। कितने घंटे तक इंतजार करना पड़ा? करीब एक घंटा इंतजार करना पड़ा अभी। ठीक है, अभी नेक्स्ट डेट दी है कोई एसएससी नहीं दी कोई डेट नहीं दी गई। क्या बोला इंटेलिजेंस के द्वारा? हमें बोला कि आपका पेपर लगेगा एक घंटे तक कोई पेपर लगेगा, लेकिन डेट नहीं दी गई। हमें से बोला कि अब आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, उसके बाद हम सारे बच्चे कार से बाहर आ गए। चलो ठीक है।